जी तो ये कंपनी है AI बेस्ड, ठीक है, जी सर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। जी ऐसी बहुत सारी कंपनी अभी आप मार्केट में देख रहे हो जो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर की है। जी सर अभी आप अमेजोन की मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 ट्रिलियन डॉलर। जी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप कैलकुलेटर में, जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेटर हैक हो जाएगा। जी सर गूगल कितनी है? गूगल की मार्केट वैल्यू ही कोई नहीं पता लगा सकता, 1 ट्रिलियन डॉलर के पार है, जी सर ठीक है। जब इसको भी कैलकुलेटर करोगे तो ये भी भाई भाग जाएगा, भाई नहीं लगा पाएगा इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर फेसबुक 1 घंटे के अंदर 250 करोड़ रुपए की अर्निंग करता है। फेसबुक, जी सर जी गूगल 30 सेकेंड के अंदर $8 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है, जी एक सर सेकेंड के अंदर, ठीक है। क्या है ये? AI बेस्ड कंपनी है। सबसे बड़ी बताया ना आपको कि इन कंपनियों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है जी सर ये। और जैसे कि आपने YouTube पर सर्च किया, देखो अभी प्लान आपको दे रहा हूँ इस तरीके से कि आपको समझ आएगी कि आप नए बंदे हैं, बिल्कुल सर ठीक है। बिल्कुल तो उस हिसाब से थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए कि क्या चीज इसमें होने वाला, आगे फ्यूचर दिखाऊंगा इस चीज का, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये कहाँ तक पहुँचने वाला है? अभी आप अभी कहाँ है और अब पहुँचने वाला कहाँ है? जी सर गूगल के पास कितने प्रोडक्ट हैं? जी मैं बताता हूँ, गूगल के पास मुझे तो नहीं मालूम कितने, लेकिन 8-9 प्रोडक्ट हैं। जीमेल है, असिस्टेंट है, ठीक जी है, गूगल के कुछ और एप्लीकेशन है जो अभी क्या बोलते हैं प्ले स्टोर वगैरह वगैरह कुछ ऐसे ही है, ठीक जी सर है। तो ये इतना बड़ा जो मार्केट कैप्चर कर सकती है गूगल अपने 5 से 10 प्रोडक्ट को ला करके, जी और फेसबुक के पास 3 से 4 प्रोडक्ट हो करके पूरी दुनिया पर राज कर सकती है, अमेजोन बिल्कुल सर सिर्फ 1 प्रोडक्ट को लेकर के पूरी दुनिया पर राज कर सकती है, जी जी ठीक है। यूट्यूब भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। जी सर ऐसी कौन सी कंट्री है चाइना को छोड़ करके? ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे यूट्यूब नहीं अवेलेबल है, जी सर चाइना नहीं अवेलेबल करता है किसी भी अदर कंट्री को, चाइना नहीं वहां पर करता है, खुद का ही प्रोडक्ट बनाता है। जी सर अभी यूट्यूब पर 1 मिनट में जी 2.5 लाख वीडियो पब्लिश होते हैं। कितने ढाई लाख वीडियो पब्लिश होते हैं? जी आप सर यकीन मानिएगा कि गूगल से ही, मतलब यूट्यूब से ही गूगल कितना कमाता होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। क्यों क्यों कमाता है? क्योंकि इनके पास नेटवर्क है। हाँ सर वो तो है नेटवर्क यार क्यों है? नेटवर्क बनाया नहीं, ऑटोमेटिक बन गया है, सिस्टम पर बन गया है। इसने सिस्टम डिजाइन किया और सिस्टम लोगों को पसंद आया, पसंद आया ठीक है, इसलिए नेटवर्क बन बन गया गया ऑटोमेटिक, जी सर ठीक है। व्हाट्सएप आपको किसी ने नहीं बोला कि भैया डाउनलोड करो, आपने खुद से डाउनलोड किया। खुद से किया सर इंस्टाग्राम किसी ने नहीं बोला भैया डाउनलोड करो, आपने खुद से किया। खुद से यूट्यूब तो किया खुद से किया, ठीक है। जी अब बात करते हैं ऑन पेस्यू कहाँ पर जाने वाला है। जी सर ऑन पेस्यू ऐसा दुनिया का ऐसा नंबर 1, नहीं नंबर 1 नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि नंबर 1 वही होता है जिसके आगे पीछे कोई हो, जी सर ठीक है। ऑन पेस्यू तो ओनली वन है, जी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, नहीं है ठीक है। ऑन पेस्यू के पास 70 से ऐसे 75 से ऐसे प्रोडक्ट हैं, 70 से और 75 लेकर के, मतलब 70 75 के बीच में प्रोडक्ट हैं जी जो कि AI की दुनिया में पूरा पूरा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जी सर ठीक है। अभी ऑन पेस्यू में कितने लोग हैं फाउंडर? 5,60,000 फाउंडर हैं। जी सर और एज सर ने क्या कहा है, देखो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है ना वो समझ सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, जी सर ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग से 1,000 गुना बड़ा है, जी सर ठीक है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो 5 5 10 10 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, बिल्कुल सर ऐसे बिल्कुल ऐसे वेबसाइट डेवलपर हैं जो 5 5 10 10 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, जी सर ठीक है। तो नेटवर्क, ये नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से वो भी कह सकते हैं क्योंकि उनमें भी नेटवर्क है, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। जी सर अभी क्या है, ऑन पेस्यू पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि ओनेट। जी सर यूट्यूब पर आपको वीडियो देखने में पैसा मिलता है, नो लेकिन मुझे वीडियो डालने में पैसा मिलता है, वीडियो मैं डालता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो है, बिल्कुल सर मुझे बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलता। लेकिन ओनेट में आप देखेंगे तब भी पैसा मिलेगा, अच्छा ओ नेट में डालेगा अच्छा तब भी पैसा मिलेगा, सर चैटिंग करेगा तब भी पैसा मिलेगा, फेसबुक जी जैसा एप्लीकेशन होगा तब भी पैसा मिलेगा, जूम पर कोई भी, यानी कि आपके हिसाब से जो भी उसको यूज करेगा वो आपका डाउनलाइन, जी सर
क्या हैं आप? कंपनी के फाउंडर हैं। जी ठीक है, क्या हैं कंपनी के आप? फाउंडर। फाउंडर हैं। फाउंडर क्या होता है? कंपनी को एक छोटे लेवल से ऊपर तक पहुंचाना। फाउंडर का मतलब ये होता है कि शेयर खरीदना, कंपनी का ओनर बनना, मतलब कंपनी को बहुत ऊपर ले जाना, वो होता जी है फाउंडर। जी सर अभी 5 लाख लोग हैं तो इतनी खलबली मची, अभी तो 50 करोड़ लोग आना बाकी हैं, पूरा वर्ल्ड कैप्चर करना बाकी है। जी ठीक है सर सर, अब क्या है, अब बात आती है भैया इनकम कहाँ से आएगी। जी सर ठीक है, मान के चलो भैया ये जो बहुत बड़ी कंपनी एआई बेस्ड को भैया प्रमोट नहीं करना पड़ता है, एआई बेस्ड बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लेता है, जी सर एआई बेस्ड, क्योंकि एआई बेस्ड क्या है सर, एआई बेस्ड को बताना नहीं पड़ता है क्या है ये। जी सर एआई बेस्ड अपने आप को खुद प्रमोट करता है, गूगल ने अपने आप को खुद प्रमोट किया, खुद झूठ मैं प्रमोट क्या किया। हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है, तो एआई बेस्ड जो है ना इंसान के दिमाग के 1000 गुना ज्यादा है। कंप्यूटर का दिमाग, इंसान के दिमाग बहुत फर्क है। बिल्कुल सर बिल्कुल कंप्यूटर जितना डेटा कैप्चर कर लेगा आप नहीं कैप्चर कर नहीं सकते, लेकिन नहीं कर इंसान का पाएंगे। दिमाग जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और एक एआई बेस्ड कंपनी जो एलएलसी कंपनी है जी उसका तो अब यूट्यूब पर कितना वीडियो है आप नहीं अंदाजा लगा सकते। उसको नहीं देखते देखते अंदाजा आप, लगा पाएंगे जी आपके 7 जन्म पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन वीडियो खत्म नहीं होने वाले। ठीक बिल्कुल सर बिल्कुल है, लेकिन वो अपना डेटा को स्टोर किए हुए रखे हुए है। ठीक है, क्या है वो? एआई बेस है। जी सर यूट्यूब पर आप अगर कुछ भी सर्च करते हो आपके सामने आता है। बिल्कुल सर कैसे आता बिल्कुल है? कैसे आता है? क्योंकि वो एआई बेस है, ऑटोमेटिक पर वर्क कर रहा है, ना कि कोई कंप्यूटर बैठा आपने क्या सर्च किया उसको क्लिक किया, नहीं, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पर कोई दूसरा बैठा आपने क्लिक क्या किया, वो सिस्टम पर वर्क कर रहा है। जी सर ऐसे ही हमारी ऑन पीसी है, सिस्टम पर वर्क कर रही है। जी ठीक है, अभी बना रही है फाउंडर, फाउंडर जी क्लोज होंगे तो सेकेंडरी फाउंडर बनाएंगे। जी अब मान के चलते हैं भैया, अगर कंपनी जी हमारी सॉफ्ट लॉन्च करती है, अभी 5 लाख फाउंडर पर ही, 5,60,000 फाउंडर अभी हैं, अभी मैंने देखा, 5,60,000 पर ही भी अपना सॉफ्ट लॉन्च कर देती है जी और मार्केटिंग करके उसमें 15 लाख सेकेंडरी फाउंडर बनाती है, तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 20 लाख 20 लाख। अब 20 लाख यूजर हो गए समझ लो ऑन पीसी के। जी कंपनी ने प्रमोट किया, कंपनी बोल रही है भैया प्रमोट करो, कंपनी क्या बोल रही है? भैया मैं एमएलएम नहीं है, लेकिन जो लोग रिलेशन में, भैया कि मैं फाउंडर हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा, चलो मैं अपने दोस्त को बता देता हूँ, चलो अपने जी भाई को बता देता हूँ। जी ठीक है, एमएलएम नहीं है, ध्यान दिमाग से निकाल दो। जी ना जी कंपनी बोलती है कि आप 3 लोग लाओ, ना ही कंपनी बोलती है आप कुछ भी मत करो, आपको यहाँ पे मिलेगा स्पिल ओवर सिस्टम, मिलेगा जी सबको, मिलेगा सब पैसा, मिलेगा सबको, सिस्टम मिलेगा, जी सिस्टम पर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 20 लाख लोग हो गए, यानी कि कंपनी के 20 लाख यूजर। जी ठीक है, हम लोग यूजर ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, फाउंडर है, 1% के हिस्सेदार हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन यूजर हैं हम लोग कंपनी। जी सर तो इस हिसाब से कंपनी 20 लाख होगी। जी अब मान के चलते हैं कंपनी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लाएगी तो वो ऑटोमेटिक वायरल होगा। जी बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है, 20 लाख लोग, अब मान के चलते हैं कंपनी बोलती है आने वाले 1 से 2 सालों में, 5 सालों में, मानता हूँ 5 सालों में, जी 5 सालों में उसके 1 बिलियन यूजर हो गए कहीं, जी सर और समझिए कि 20 लाख लोग फाउंडर हैं, जी सर तो समझ लीजिए 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। तो 1 मिनट में एक फाउंडर की इनकम कम से कम 70 से 80 हजार रुपए की होने वाली है। कितनी? 70 से 80 हजार रुपये 70 से 80 हजार रुपए। ये मैं बहुत बात का बता रहा हूँ, फ्यूचर बता रहा हूँ, बहुत बात का। जी सर ठीक है, अभी बताऊंगा शुरुआत की इनकम क्या होगी। जी सर ठीक है, 1 मिनट में आप 70 से 80 हजार रुपए कमाएंगे उस टाइम पर जब 1 बिलियन यूजर होंगे, जी 2 बिलियन यूजर होंगे। ठीक है, जी उस सर टाइम पर तो अब यानी कि अब लोग यूज कर रहा है ओका नेट, यूज कर रहा है यानी कि जूम एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो भी आपका डाउनलाइन बन गया। ओ जी नेट यूज कर रहा है, वो भी आपका डाउनलाइन बन गया। ओ स्टार यूज कर रहा है, वो भी डाउनलाइन बन गया। ओ बिल्कुल ओ सर वर्ल्ड यूज कर रहा है, वो भी डाउनलाइन बन गया। आपकी वेबसाइट पर गया, वो भी आपका डाउनलाइन बन गया। तो यहाँ पर तो आपको जोड़ने का समय, आप जोड़ नहीं भी जोड़ोगे तब भी लोग जुड़ जाएगा अपने आप। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने वाला तो है ही नहीं काम। जी अभी आपको जो बताया है वो जोड़ने वाले के हिसाब से बताया होगा, लेकिन जोड़ने वाला काम नहीं है। अभी कंपनी को प्रमोट करना मेरा फर्ज है, क्योंकि क्या हूँ मैं? कंपनी का फाउंडर हूँ। फाउंडर है बिल्कुल सर ठीक है, तो क्या है अब समझ लीजिए कि शुरुआती इनकम क्या होगी। ठीक है, जी
ये तो मैंने 5 साल 3 साल के बाद बताया कि एक फाउंडर कितना तक कमा सकता है, जिस हिसाब से कंपनी बोल रही है, ठीक जी सर है। और ऐसा होने वाला है, ऐसी की बात नहीं कि नहीं होगा भैया, 5 साल में जी, नहीं, 7 साल में होगा, 10 साल में होगा, बिल्कुल कभी ना बिल्कुल कभी सर, तो होगा, ठीक तो होगा तो है। सही अब बात आती है कि कंपनी जैसे लॉन्च हुई तो अर्निंग क्या होगी। जी। कंपनी बोलती है आपको स्पिल ओवर से लोग मिलेंगे, आपकी टीम ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। जी जैसे आप अभी आईडी लगाई जी और मान के चलते हैं कि लॉन्च हुआ जाके सर, फुल्ली आईडी लॉन्च, कैसी लगती है? जैसे कि आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, जी देखो मैं नहीं कहता हूँ कि वो बंदा आपको इस चीज के बारे में बताए कि भैया पेड़ वहां है और आप फल तोड़ के लाओ, मैं उसको खा लूं, जी सर, हक उसका ही है, ठीक है। मैं जी उसी से जी बोलूंगा कि भैया आप उसी से आईडी लगाओ, ठीक है। जी जी मैंने कभी नहीं होता, मैं क्यों नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि भैया वही है कि मेहनताना किसका और फल किसको मिलना, जी सर तो जी ये नहीं। आईडी अपने आप अपलाइन से बोलिएगा, वो लगा देगा। अपलाइन डाउनलाइन का सिस्टम नहीं, लेकिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं तो बोलते हाँ हैं इसको। हाँ 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 बिल्कुल सर अपलाइन से बोलिएगा कि भैया आईडी कैसे लगाना है, 8,000 के कुछ ऊपर नीचे में हो जाती है आईडी। देखो फिर भी सर मुझे जानकारी तो दे दे आप। आईडी क्या है, आईडी है $97 की, जी 7,700 रुपये आपका वहां पर आईडी लगती है, 7,700 में, जिससे आपके जी डॉलर का रेट है या फिर बिटकॉइन से कर रहे हैं लगभग 8,000 रुपये में लगेगी, ठीक है। जी बिटकॉइन से करेंगे 8,000 रुपये में लगेगी, जी अगर डॉलर से कर रहे हैं तो 7,800 लगभग, इससे ऊपर जी तो नहीं खर्च होगा, जी 7,760 रुपये तकरीबन में ऐसे लगता कुछ है, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है इंडियन जी इंडियन में, क्योंकि अभी लगभग 73 रुपये चल रहा है, लगभग 73 रुपीज में। जी सर तो उस हिसाब से अभी बताइए, अभी आप फाउंडर बन जाते हैं, जैसे अभी अभी कल फाउंडर बन गए, जी सर कल फाउंडर की संख्या कितनी है, फ्यूचर बता रहा हूँ, कल फाउंडर है 5,10,000, जी सर ठीक है, कल फाउंडर है 5,10,000, आप फाउंडर बन गए। जी अब यहाँ पर सुनिएगा बात मेरी आप, ठीक है। अब जितने भी फाउंडर आएंगे जी आपके बाद में, जैसे कि आप बने और आपके 1 महीने के बाद 2 लाख और बढ़ गए, तो 2 लाख में आपके कुछ ना कुछ फाउंडर आपके स्पिल ओवर से नीचे भी आएंगे, जी सर ठीक है। जैसे कि मान के चलो 2 लाख आपके बाद बने तो 1,000 लोग आपके फाउंडर नीचे आ गए। अब जी जो स्पिल ओवर वो खुलेगा, ओपन होगा, जी अब यहाँ पर आपकी अर्निंग जो होगी पूरा, और जैसे कि लॉन्च हो गया पूरा, अब पैकेज को लेना होगा, ठीक है। जी क्या लेना होगा, पैकेज को, जो कि $100 से लेकर $250 का बीच में होगा, जी ठीक है। अब आपकी टीम वहां पर शो कर देगी, भैया आपके $1,000 यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, कितने का पड़े हैं, यार 1,000 डॉलर। और ऐसे सभी के साथ होने वाला भैया, सभी के साथ, जी ठीक है। तो $1,000 पड़े हैं, जैसे पैकेज को रिन्यू किया आपने, $1,000 उठा लिए, भैया फर्स्ट डे की अर्निंग आपकी 60 से 70 हजार रुपए की होने वाली है, 70 से 80 हजार रुपए की फर्स्ट डे की अर्निंग, जो जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी उस दिन की। बिल्कुल। जी सर देखो एक आइडिया बता रहा हूँ, कंपनी का कोई ऐसा प्लान नहीं है, अभी बताया नहीं उसने, जी, एक आइडिया जिससे कंपनी का एक कुछ मालूमात होती है ना, हाँ कि बिल्कुल स्पिल सर। ओवर आएंगे, स्पिल ओवर से कितनी टीम बनेगी, कितना क्या होगा, सर ठीक अभी है। हमने ज्वाइनिंग ले ली इसमें, और सर हमने किसी को ज्वाइन नहीं कराया, फिर भी नीचे आएंगे लोग। बिल्कुल अच्छा सर बिल्कुल आएंगे, किसी को ज्वाइन कराओ चाहे नहीं कराओ, जी सर, वो ऐसे भी बता रहे थे 3 लोगों का कुछ सिस्टम है लगाने वाला। देखो जैसे कंपनी के मान के चलते हैं, कंपनी के आप लास्ट फाउंडर हैं, बिल्कुल लास्ट फाउंडर हैं, जी और आपको एक भी टीम स्पिल ओवर से नहीं आई है, जी ठीक है। अब आप लास्ट फाउंडर हैं, तो जी माइकल विलियम्स एम एक ऐसे फाउंडर हैं, लीडर हैं, जो कि बहुत बड़े लीडर हैं, मैं जी उनका सम्मान करता हूँ बहुत। उन्होंने बताया कि जो लास्ट फाउंडर होगा ना, कंपनी का लास्ट फाउंडर, वो भी शुरुआत के $500 मंथली कमाएगा, समझ रहे हैं आप जी तो उस चीज को समझिए, लेकिन आप तो लास्ट होंगे नहीं। फ्री जी एंड फ्री का सिस्टम बताता हूँ क्या है, जी जैसे ही आपके नीचे 3 लोग आते हैं आप फ्री हो जाते हैं, जी सर कैसे, आपको पैकेज फिर से लेना नहीं पड़ेगा, जी सर एक बार तो सभी को लेना, एक बार तो सभी को लेना पैकेज है, जी लेकिन जैसे 3 लोग आते हैं, 3 लोगों में उतना पैसा आ जाता है जितना पैकेज होता है, जी सर ठीक है। जी जैसे कि पैकेज हुआ $200 का, सर अब 3 लोग आपके नीचे आए, कंपनी चाहे लाई चाहे खुद लाए, आप जी सर वो तो लाना ही है, चाहे जी आप लाएं चाहे ना लाएं, कंपनी लाएगी, ठीक बिल्कुल सर
लोग आए, पैकेज फ्री आपका। अब अगले महीने आपको खरीदना नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है। अब क्या है, तीन से उनके नीचे तीन तीन आएंगे, क्योंकि उनके नीचे भी तो अपग्रेड होना है भैया, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। जी। अब क्या है, वो भी सही हो गया, अब आपको अर्निंग होना चलोगे कितनी, बिल्कुल आप लास्ट फाउंडर बता रहा हूँ, लास्ट फाउंडर, जी सर, जी बिल्कुल लास्ट फाउंडर बता रहा हूँ, लास्ट सेकेंडरी फाउंडर की बात कर रहा हूँ, अभी तो सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, जी ठीक है। अब तो वहां पर आपको वहां से अर्निंग स्टार्ट होगी, जो यूजर होंगे वो यूजर होंगे, ठीक है। जी यूजर से आपकी अर्निंग बता रहा हूँ, ना कि फाउंडर्स की अर्निंग बता रहा हूँ, जी ठीक है। उस हिसाब से आप अर्निंग करेंगे, जी जैसे कि थ्री एंड फ्री का ये सिस्टम है कि जी तीन लोग आए आप फ्री हो गए, जी ठीक है। तो सर मेरे भैया अगर आप सोच रहे हैं, मतलब मैं अपना वक्त जया कर चुके हैं, कुछ बड़ा कुछ नहीं।